शेख हसीना जी ने मुझे इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। फिर शेख हसीना जी ने मुझे एक और विकल्प दिया और इसलिए वीडियो के माध्यम से आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पिछली सदी के महान व्यक्तित्वों में एक थे। उनका पूरा जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बंगबंधु याने अ लीडर ऑफ करेज, ए मैन ऑफ कन्विक्शन, ए सेज ऑफ पीस, ए चैंपियन ऑफ जस्टिस, इक्वेलिटी एंड डिग्निटी, ए हैंड ऑफ डिफायंस अगेंस्ट ब्रुटलिटी एंड ए शील्ड अगेंस्ट कोवर्शन। उनके व्यक्तित्व की इन खूबियों ने उस दौर में लाखों लाखों युवाओं को बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक नई ऊर्जा दी थी। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब देखता हूं कि बांग्लादेश के लोग किस तरह दिन रात अपने प्यारे देश को शेख मुजीबुर रहमान के सपनों का सोनार बांग्ला बनाने में जुटे हुए हैं। साथियों, बंगबंधु का जीवन आज के वैश्विक माहौल में 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देता है। याद कीजिए, एक दमनकारी अत्याचारी शासन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को नकारने वाली व्यवस्था ने किस तरह बांग्ला भूमि के साथ अन्याय किया, उसके लोगों को तबाह किया। सारी दुनिया, हम सभी भली भांति इन बातों को जानते हैं, उसकी पीड़ा, उसका दर्द महसूस करते हैं। उस दौर में जो तबाही मचाई गई थी, जो जेनोसाइड हुआ, उससे बांग्लादेश को बाहर निकालने के लिए एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पल पल समर्पित कर दिया था। उनका स्पष्ट मत था कि किसी भी देश की प्रगति का आधार नफरत और नेगेटिविटी नहीं हो सकती, लेकिन उनके यही विचार, यही प्रयास कुछ लोगों को पसंद नहीं आए और उनको हमसे छीन लिया गया। ये बांग्लादेश और हम सभी का सौभाग्य ही था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और शेख रहना जी
उन पर ऊपर वाले का रहम रहा, वरना हिंसा और घृणा के समर्थकों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। आतंक और हिंसा को राजनीति और कूटनीति का हथियार बनाना, कैसे पूरे समाज को, पूरे देश को तबाह कर देता है, ये हम भली भांति देख रहे हैं। आतंक और हिंसा के वो समर्थक आज कहां है, किस हाल में है, और दूसरी तरफ ये हमारा बांग्ला, ये हमारा बांग्लादेश किस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। साथियों, बंग बंधु की प्रेरणा से और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश आज जिस प्रकार इंक्लूसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रहा है, वो वाकई सच्चे अर्थ में प्रशंसनीय है। इकोनॉमी हो और सोशल इंडाइसिस हो या फिर स्पोर्ट्स, आज बांग्लादेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, ऐसे अनेक क्षेत्रों में बांग्लादेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बीते 5-6 वर्षों में भारत और बांग्लादेश ने आपसी रिश्तों का भी सोनाली अध्याय गढ़ा है, अपनी पार्टनरशिप को नई दिशा दी है, नए आयाम दिए हैं। ये हम दोनों देशों में बढ़ता हुआ विश्वास है, जिसके कारण हम दशकों से चले आ रहे लैंड बाउंड्री, मैरिटाइम बाउंड्री, इससे जुड़े कॉम्प्लेक्स मुद्दों को शांति से, पूरी तरह शांति से सुलझाने में सफल रहे हैं। साथियों, बांग्लादेश आज साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी है। भारत में बनी बिजली से बांग्लादेश के लाखों घर और फैक्ट्रियां रोशन हो रही है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से एक नया डायमेंशन हमारे रिश्तों में जुड़ा है। रोड हो, रेल हो, एयर हो, वाटरवे हो या इंटरनेट, ऐसे अनेक सेक्टर्स में हमारा सहयोग हम दोनों देशों के नागरिकों को और भी ज्यादा कनेक्ट कर रहा है। साथियों, हमारी विरासत टैगोर की है। काजी नजरुल इस्लाम, उस्ताद अलाउद्दीन खान, लालोन शाह, जीवानंदा दास और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे मनीषियों की है। इस विरासत को बंग बंधु की प्रेरणा, उनकी लिगेसी ने और व्यापकता दी है। उनके आदर्श, उनके मूल्यों से भारत भूमि हमेशा से जुड़ी रही है। भारत और बांग्लादेश के आत्मीय संबंध इस साझा विरासत की मजबूत नींव पर ही गढ़े गए हैं। हमारी यही विरासत
हमारे आत्मीय संबंध, बंगबंधु का दिया मार्ग इस दशक में भी दोनों देशों की पार्टनरशिप प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मजबूत आधार है। अगले वर्ष बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष होंगे और उससे अगले वर्ष यानी 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये दोनों पड़ाव भारत बांग्लादेश के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही दोनों देशों की मित्रता को भी नई बुलंदी देंगे। एक बार फिर पूरे बांग्लादेश को बंगबंधु शताब्दी वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय बांग्ला। जय हिंद।